देखिए, तालमेल मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि वहाँ पर आम आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा। ऐसा हमारे किसी सदस्य ने या हमारे किसी आदमी ने इस तरह की कोई भी बात नहीं कही है, और ना ही हमने मांग करी है कि वहाँ पर बाहर का आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़े। क्योंकि पहले 5 वक्त की नमाज होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब से ताजमहल सनसेट सनराइज तो सनसेट हुआ है तो 3 टाइम की नमाज बाहर का आदमी पढ़ता है। बाकी नमाजें जो आदमी वहाँ पर रहते हैं, जो कर्मचारी रहते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं 2 वक्त। तो मतलब मान सकते हैं कि ताजमहल में अभी भी 5 वक्त की नमाज होती हाँ है। जी बिल्कुल, हम मान सकते हैं कि ताजमहल में 5 वक्त की नमाज होती है, लेकिन बाहर का जो टूरिस्ट है या बाहर का कोई आदमी जो है वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाता है, बाकी होती 5 वक्त की नमाज। फ्राइडे की नमाज की अपन बात करें तो वो दोपहर से 2 बजे के गजट नोटिफिकेशन है एएसआई के उस तरफ से। तो 5 वक्त की नमाज का अभी तक एएसआई के पास भी कोई सबूत नहीं है, कौन सा कोई आदेश है नहीं क्या? नहीं देखिए, मैं बताऊँ आपको कि शाहजहां बादशाह ने पहले मस्जिद बनवाई है, बाद में मकबरा बनवाया, क्योंकि शाहजहां बादशाह एक वली थे और जो ताजमहल को बनाने वाले थे उसमें काफ़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर भी थे, और क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रहते हैं, इसलिए पहले उन्होंने मस्जिद तामीर करवाई, क्योंकि जो जितने भी मुस्लिम कारीगर थे वो 5 वक्ता नमाजी थे, और ऐसा मानना भी है जो 5 वक्ता नमाजी है उसके हाथ से कोई काम किया जाए तो वो सही और ढंग से होता है। इसलिए शहंशाह शाहजहां ने सबसे पहले मस्जिद तामीर करवाई। मस्जिद इसलिए तामीर की जाती है जहाँ क्योंकि